अभी बनाएंगे हम आलू और सोयाबीन की सब्जी, मतलब सोयाबीन निट्रोला की सब्जी। इसके लिए 5-6 लहसुन छील के काट लिया, वो डालेंगे और इसमें डालेंगे 3 मीडियम चम्मच प्याज। ये प्याज इसके अंदर डाल लेंगे और दोनों को फ्राई कर लेंगे। और ये हल्का सा प्याज फ्राई करने के बाद इसमें डालेंगे ये आलू छिले हुए, 5-6 आलू बीच से काट लिया था, और इसके साथ इसको फ्राई करेंगे। और ये कुछ देर बाद फ्राई पैन से कवर हटा लेंगे और चला लेंगे आलू और प्याज को। चलाने के बाद इससे जाकर डालेंगे 2 छोटे चम्मच नमक। ये नमक डाल लेंगे और ये प्याज फ्राई हो चुका है तो इसमें डालेंगे हम ये 1 टीस्पून जीरा पाउडर, और 1 टीस्पून धनिया पाउडर, और इसके ऊपर 4-5 टीस्पून डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर। ये डाल लेंगे और इसके ऊपर से डालेंगे ये 2 चम्मच मीडियम चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट। ये डाल लेंगे इसके अंदर और इसको मिक्स कर लेंगे मसाले के साथ। मसाले के साथ मिक्स कर लेंगे और इसको फ्राई पैन को ढक देंगे 3-4 मिनट के लिए स्लो गैस पे। और ये 4 मिनट बाद फ्राई पैन का कवर हटा लेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट पक चुका है। इसमें डालेंगे हम 1 मीडियम साइज का कटा हुआ टमाटर डाल लेंगे और टमाटर को मिक्स कर लेंगे मसाले और आलू के साथ और इसको 5 मिनट तक ढक के टमाटर को पकने देंगे। और ये 4-5 मिनट बाद फ्राई पैन का कवर हटा लेंगे। ये टमाटर जो है वो गल चुका है पूरा, टमाटर पूरा गल चुका है। इसमें डाल लेंगे 1 कप पानी। ये पानी डाल लेंगे और गैस को फास्ट करके पानी को उबाल लेंगे। और ये कुछ देर बाद पानी को उबाल लिया हमने, अब इसमें डालेंगे 30-40 के आसपास सोयाबीन चंक जो हमने उबाल लिया था, हल्का सा नमक डाल के और फिर इसका पानी निकाल लिया था हाथ से निचोड़ के, वो डाल लेंगे इसके अंदर और इसको ढक देंगे जिससे कि सोयाबीन के अंदर ये जो ग्रेवी है वो चला जाए। और ये कुछ देर बाद फ्राई पैन का कवर हटा लेंगे और इस पर डालेंगे ये कटी हुई धनिया पत्ता और धनिया पत्ता को मिक्स कर लेंगे इस तरह से। और अब इसको एक बॉल में निकाल लेंगे